नमस्कार। आज हम आपको एक और नए पौधे से परिचय करा रहे हैं। इस पौधे का नाम धृत कुमारी या ग्वार पाठा जाना जाता है। वनस्पतिक नाम इसका एलोवेरा है और आयुर्वेद के अनुसार एलो का मतलब होता है कुमारी, और इसलिए इसको ये माना जाता है कि ये युवा अवस्था के लिए, युवा स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। तो आज इसके महत्व के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। ये औषधि महत्व का पौधा तो है ही, इसमें जो तत्व हैं और ख़ास तौर से इसका जो पल्प है वो अनेक रोगों के इलाज के लिए उपयोग में आता है। ख़ासतौर से कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरीके से जल गया हो या उसको एसिडिटी के कारण जलन महसूस होती हो तो इसके पल्प का उपयोग जो है वो कर सकता है। दूसरा, इसका उपयोग जो है, जो व्यक्ति मधुमेह के रोग से पीड़ित हो उनको ये बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। साथ ही साथ इसका बहुत ज़्यादा उपयोग सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में काम में आता है। जैसे इससे जो है क्रीम बनाई जा सकती है, इसके जेल बनाए जा सकते हैं, इससे जो है और ऐसे प्रसाधन की वस्तुएं निर्मित होती हैं, चाहे वो शैम्पू के रूप में हों या और खाद्य के रूप में हों। तो ये एक बड़ा लाभकारी पौधा है। इसके अनेक प्रयोग किए जाते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसके महत्व को लोग बाग जाने। और इसकी खेती भी बड़ी सरल है, बहुत कठिन नहीं है। हमारे उद्यान में औषधीय जो पौधों का खंड है उसका एक प्रमुख पौधा है। इसको हम लोग संरक्षित भी करते हैं, इनकी वृद्धि भी करते हैं और इनका उपयोग शिक्षा के कार्यक्रम में भी करते हैं। और जब कभी हमारे यहाँ जो पर्यावरण के अवेयरनेस को लेके जब विद्यार्थी या शिक्षक आते हैं तो हम इस पौधे से उनका परिचय कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पौधे की जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।